तो दोस्तों, इस टाइम आ चुके हैं हम ऋषिकेश में, गंगा घाट के किनारे हैं जैसा आप देख रहे होंगे। तो आपको मैं शाम का व्यू दिखाने वाला हूँ ऋषिकेश का कैसा बनता है, तो बने रहिए आप वीडियो पर। और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, और जो नए जुड़े हैं मेरे चैनल के साथ वो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप ना करें, काफ़ी ज़बरदस्त व्यू बनकर आता है इवनिंग का, जो गंगा घाट का व्यू होता है इवनिंग का। और मैं आप लोगों को आरती भी दिखाने वाला हूँ, इवनिंग में आरती होती है संध्या के समय, तो एक काफ़ी खूबसूरत माहौल रहता है गंगा घाट के किनारे का शाम के टाइम का, संध्या के समय का। तो बने रहिए दोस्तों आप वीडियो पर। तो गाइड्स, नीचे की ओर घाट की ओर गंगा किनारे की साइड जाते हुए इस टाइम पास चलकर मैं दिखाता हूँ आपको। सामने ये जानकी ब्रिज है, ये अभी न्यू ब्रिज बना है, पिछले 2-3 सालों में बनाकर इसको पूर्ण किया गया है। ये भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इससे क्रॉस होकर हम इससे आगे निकलेंगे लक्ष्मण झूला, उससे आगे आप देख रहे होंगे, आपको मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ वो सामने लक्ष्मण झूला, राम झूला। कोशिश करूँगा मैं तीनों ब्रिज आप लोगों को एक साथ दिखाऊँ, तो आप बने रहिए वीडियो पर, काफ़ी अच्छी वीडियो ये रहने वाली है आप लोगों के लिए। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, यहाँ पर ये घाट है, यहाँ पर जब मृत्यु हो जाती है, स्वर्गवास हो जाता है, उसके बाद जो देह होती है मनुष्य का, जो शरीर होता है, उसको यहाँ पर दाह संस्कार के लिए लाया जाता है दूर दराज क्षेत्रों से यहाँ पर। तो दोस्तों, ये है गंगा घाट, जहाँ पर मनुष्य की शांति के लिए दाह संस्कार किया जाता है, वही स्थान है दोस्तों ये। तो इस टाइम आ चुके हैं बिल्कुल नज़दीक जानकी पुल के, आप देख रहे होंगे, बस इसी से गुजरने वाले हैं, आप बने रहिए। जब यहाँ से गुजरते हैं तो आप देख रहे होंगे सामने, यहाँ 3 लाइनें बनी हुई हैं, जो बीच वाली लाइन है ये थोड़ा जो पैदल चलने वाले होते हैं उन लोगों के लिए बनी हुई है, और साइड में 2 लाइन आने जाने के लिए वाहन के लिए है। और आप सामने देख रहे होंगे ब्रिज का पूरा, कितनी दूरी है, कितने किलोमीटर है, आसपास का जो क्षेत्र है वो सारा यहाँ विवरण किया हुआ है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर इसकी दूरी 900 मीटर और जो आसपास जो भी इसके पड़ता है वो पॉइंट सब यहाँ पर लिखे हुए हैं। चले आगे चलो। तो आप देख रहे होंगे काफ़ी खूबसूरत व्यू निकल कर आता है यहाँ से, आप ऊपर की तरफ लगी हैं मोटी मोटी वायर।
और कुछ थोड़ा पुल से ब्रिज से नीचे की ओर देखते हैं तो कुछ ऐसा व्यू निकल कर आता है गंगा मैया का। और काफी ठंडी हवाएं चलती हैं संध्या के समय। यहाँ गुलाबी मौसम संध्या के समय यहाँ हो जाता है। तो आप देख रहे होंगे दोस्तों काफ़ी सेल्फी और पिक यहाँ पर ली जाती है लोगों द्वारा। काफ़ी खूबसूरत व्यू होता है संध्या समय का यहाँ पर और काफ़ी भीड़ भी रहती है जैसा आप देख रहे होंगे। पैदल चलने वाली लाइन तो दोस्तों बने रहिए आप वीडियो पर। बस ये ब्रिज अब क्रॉस होने वाला है। यहाँ से मात्र 100 मीटर होगा और यहाँ से एक ब्रिज और दिखाई देता है वो सामने आप देख रहे होंगे। वो राम झूला या लक्ष्मण झूला चलते हैं, पता चलेगा वहाँ पर जाने के पश्चात। दोस्तों यहाँ पर समाप्ति होती है इस ब्रिज की, आप देख रहे होंगे। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने पहले बताया था सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है डिटेल में ब्रिज के बारे में और आसपास के जो पॉइंट है वो यहाँ पर लिखे हुए हैं जो इस मार्ग से होते हुए आप पहुँच सकते हो।
और सामने जस्ट आपको मिल जाएगी बजरंगबली जी की एक फोटो बनी हुई दीवार पर, सामने नमामि गंगे लिखा हुआ। तो संध्या का समय होता है, आरती कीर्तन यहाँ पर होते हैं संध्या के समय, तो काफ़ी खूबसूरत संध्या बन जाती है। इस पुल समाप्ति के बाद हमें राइट नहीं लेफ्ट साइड में थोड़ा घूमना होता है, फिर निकल पड़ते हैं आगे राम झूला और लक्ष्मण झूले के लिए। आप कभी अगर इसी केस आते हैं तो इसी तरीके से आपको क्रॉस करने के बाद जानकी पुल लेफ्ट साइड में उल्टे हाथ की ओर चलना होगा, तो कुछ इस तरीके का व्यू निकल कर आता है। कुछ दुकानें घाट के आसपास लगी रहती हैं और आरती का समय भी समीप है। आप लोगों को मैं आरती भी दिखाने वाला हूँ, तो बने रहिए आप वीडियो पर दोस्तों। आ चुके हैं गंगा घाट पर और आरती की तैयारियां यहां पर आप देख रहे होंगे, सामने सत्संग वगैरह
यहाँ पर प्रोग्राम किया गया है संध्या के समय, यहाँ पर कथा चल रही है। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे इस टाइम हम लक्ष्मण झूले पर हैं, तो ये वायर आप देख रहे होंगे काफ़ी मूर्ति इस पर वायर लगी हुई हैं और नट बोल्ट भी काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो काफ़ी मजबूत ये ब्रिज बनाया गया है। बाहर वायर को देखने के बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितनी मजबूती से इस ब्रिज को बनाया गया है, और ये ब्रिज हिलता भी है जब आप इस पर चलते हो तो काफ़ी हिलता है, तो इसलिए इसको झूले के नाम से लक्ष्मण झूले पुकारा जाता है। इसका जो नाम लक्ष्मण झूला इसीलिए बोला गया क्योंकि ये झूले की तरह थोड़ा हिलता है, तो कुछ ऐसा व्यू निकल कर आता है आप देख रहे होंगे। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और जो नए जुड़े हैं मेरे चैनल के साथ वो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, और बने रहिए आप वीडियो पर, काफ़ी आनंद आपको आने वाला है। साइड बहुत संध्या के समय काफ़ी भीड़ उमड़ पड़ती है झूले की साइड सेल्फी और वीडियो बनाने के लिए। आप देख रहे होंगे मेरे पीछे काफ़ी लोग झूम में खड़े हुए हैं, हिले हिले।
तो यहाँ होती है झूले की समाप्ति। हाँ यही वाली है, तो यहाँ से लेनी है एक माला हमको। आप देख रहे होंगे सामने, अब देखते हैं क्या प्राइस है इसका। 50 रुपीज़ ले लो। मैं आपसे बोल रहा था कि पीछे महंगी दे रहे हैं। तो आप देख रहे होंगे ये जो माला है इस तरीके की, ये लेडीज माला होती है काफी। उधर उधर